आजादी रा अमृत महोत्सव रा उपलक्ष्य माए काड़ेगी दांडी यात्रा रो आज भी समापन। उपराष्ट्रपति जलसा ने कर्या संबोधित, कया आजादी राष्ट्र इतिहास माए अमृतमयी घटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी रा स्थापना दिवस जलसा माते नवी दिल्ली माए राखी जा कार्यक्रम ने वर्चुअली कर्या संबोधित, कया भाजपा समर्पण रे साथे करी है देश री सेवा। एनवी रमन वेला देश रा 48वां मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति दीनी मंजूरी। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े आपरा उत्तराधिकारी रा तौर माते न्यायमूर्ति एनवी रमन रा नाम भी करी ही सिफारिश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना संक्रमण री बढ़ती रफ्तार ने लेर कर्या बैठक, कया हालात नी सुधरवा माथे सरकार उठावेली करडा कदम। अरजोतपुर रा फरौदी माए कचहरी थापित उप कारागृह सु काल रात ने 16 कैदी विया फरार, इंचार्ज और सिपाही री आंखियां माए मिर्ची फेंककर करी वारदात। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारा रमाए आपनो घणो घणो स्वागत है। सा मैं हूँ आपरिसा गैनुजा और चालो खबरों जोवा विगतवार। आजादी रा अमृत महोत्सव रा उपलक्ष्य माए काड़ेगी दांडी यात्रा रो आज दांडी माए समापन व्यो। इन मौका माते राखी ज्या जलसा रा मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कया के आजादी राष्ट्र रा इतिहास माए अमृतमयी घटना ही। अहिंसा आज भी प्रासंगिक है, वणा कया के आजादी खातर आत्मनिर्भर होणो एक जरूरी शरत है। This Amrita Mahotsav should herald reawakening of a resurgent Atmanirbhara India. The coronavirus pandemic proved to be a test of our resilience, spirit of enterprise and innovation. From manufacturing PPE kits to surgical gloves, face masks, sanitizers to ventilators and vaccines, our researchers, scientists and entrepreneurs and industrialists shaped Prime Minister Narendra Bhai's vision of a Atmanirbhara Bharat into a reality. It is with this spirit that we must move forward. While conducting the largest vaccination drive in the world, it is also supplying vaccine to number of countries across the world, because we take joy in serving others in the true spirit of Vasudhaika Kutumbakam. The entire world is one family. Share and care is the core of our Indian values. So every one of us should take a pledge that we should take care and share with others. That should be our motto. So this is the vision we have to translate into reality, into a sacred mission through hard work and dedication. Let the Amrita Mahotsav lead us and our country into a splendid future. Thank you very much for giving me the function of the Dandi March. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया के भारतीय जनता पार्टी सेवा और समर्पण रे साथे काम करया है। प्रधानमंत्री आज भारतीय जनता पार्टी रा स्थापना दिवस जलसा माथे नवी दिल्ली माए राखी जा कार्यक्रम ने वर्चुअली संबोधित कर रहा हा। वड़ा सगला कार्यकर्ता वाने बधाई देता व्या कया के भाजपा सरकार महिला व रा उत्थान खातर काम करयो है। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, भवन्ति नम्राः तरव फल उद्यमे, अर्थात जब फल आते हैं तो वृक्ष झुक जाते हैं। यही मंत्र हमारे संगठन और पार्टी का भी है। हमें सत्ता सफलता के साथ और नम्र होते रहना है, और नम्र होना है, और सरल होना है। हमारे लिए सफलता का अर्थ है नए संकल्पों की शुरुआत। हम कैसे देश के लिए कुछ नया कर सकते हैं, कैसे देश के प्रयासों का हिस्सा बन सकते हैं, इस दिशा में लगातार सोचना है। साथियों, आज जब देश
आजादी के 75 साल पूरे करने जा रहा है तो हमारी ये जिम्मेदारी और भी बड़ी हो जाती है। हमें अमृत महोत्सव को भी देश के प्रत्येक नागरिक तक लेकर जाना है, हर नागरिक को जोड़ना है। आजादी का अमृत महोत्सव अगले 25 वर्षों के लिए देश के लक्ष्य तय करने का अवसर भी है। देश के इन लक्ष्यों को पूरा करने में बहुत बड़ी भूमिका भाजपा, उसके कोटि कोटि कार्यकर्ता, उन्होंने विशेष रूप से निभानी ही चाहिए। इसलिए हमें भी अपने अगले 25 वर्षों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने हैं, व्यक्तिगत भी और पार्टी की इकाई के लिए भी। हमारी पार्टी के भविष्य को, इन लक्ष्यों को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी हमारे युवा कार्यकर्ताओं पर होगी। साथियों, भारत का जन जन और देश का कण कण हमारे लिए पवित्र है, उनकी सेवा हमारे लिए राष्ट्र सेवा है। सत्ता हमारे लिए इस पवित्र राष्ट्र सेवा का एक माध्यम है, पद हमारे लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करने का दायित्व है, और हमारे लिए भाजपा कार्यकर्ता होना सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये हमारा जीवन मंत्र है। साथियों, आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसी तरह देश सेवा करते रहें, इसी विश्वास, इसी शुभकामना के साथ फिर एक बार आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी रा स्थापना दिवस माथे आज जयपुर रा प्रदेश कार्यालय माए कार्यक्रम राख्यो गयो। कार्यक्रम माए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया सहती पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री ना संबोधन ने सुनिया। इन मौका माते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कया के आज पार्टी कार्यकर्ता वारी मेहनत सु अठे तक पूगी है। भाजपा हमेशा अंत्योदय रा सिद्धांत माते काम करे। एनवी रमन देश रा 48वां मुख्य न्यायाधीश वेला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इनरा नाम माते आज मंजूरी दे दीनी है। इनसु पहले मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े आपरा उत्तराधिकारी रा तौर माते न्यायमूर्ति एनवी रमन रा नाम दी सिफारिश करी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया के एक दिन माए 2000 सुबत्ता कोरोना रा केस आनो चिंता रो विषय है। वणा कया के सरकार और कड़ा कदम उठा सके है, सगला लोगा ने इन माए सहयोग करनो पड़ेलो। मुख्यमंत्री काल मोड़ी रात वीडियो कॉन्फ्रेंस रे जरिए संक्रमण नियंत्रण खातर रणनीति बनाबा, वैक्सीनेशन री हालात री नेर विशेषज्ञ अर आबा आला अफसरा रे साथे बैठक करी। इन बैठक ने फेसबुक यूट्यूब सहती न्यारा न्यारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सीधो प्रसारित करो गयो। वना 60 बेडिक क्षमता आला निजी सफाखाना माए 25% बेड कोविड रोगिया खातिर आरक्षित करबारा आदेश जारी कर दिया है। वटे बाल आयोग आपके द्वार कार्यक्रम रे तहत आज जयपुर माए राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग री फुल कमीशन री बैठक राखी जी। बैठक माए आपता दिनवा माए होबा आली परीक्षावा ने लेर चर्चा भी। बैठक री अध्यक्षता करता व्या आयोग री अध्यक्ष संगीता बेनीवाल बताया कि परीक्षा परवरा रूप माए आवता सप्ताह राज्य स्तरीय कार्यक्रम राखो जावेलो, साथ ही बैठक माए टाबरा राज चौका विकास ने लेर चर्चा करेगी। कमीशन की बैठक रखी गई
जिसमें सभी आयोग के सदस्यगण व अधिकारीगण मौजूद रहे। क्योंकि कोविड जैसी महामारी फिर से एक बार दस्तक दे रही है, उसको देखते हुए बाल आयोग ने परीक्षा, जो बच्चों के इम्तिहान फिर से होने वाले हैं परीक्षा, और बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि पूरे साल वो स्कूल नहीं जा पाए और काफ़ी तनाव में हैं बच्चे, और उन्होंने ऑनलाइन ही शिक्षा प्राप्त की और अब उनकी परीक्षाएं हैं ऑफलाइन। तो उसको, घबराहट को दूर करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए, परीक्षा को एक त्यौहार की तरह, पर्व की तरह ले, ये एक मैसेज बच्चों तक देने हेतु राज्य स्तरीय एक कार्यक्रम रखा जाएगा। इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश भर के जिला शिक्षा अधिकारीगण, डाइट प्रिंसिपल व शिक्षा से जुड़े हुए डायरेक्टर, प्रिंसिपल, सेक्रेटरी को मौजूदगी में ये एक भूमिका बनाई जाएगी और बात की जाएगी कि सभी जिला शिक्षा अधिकारी अपने अपने जिलों में, ब्लॉकों में जाकर किस तरह को बच्चे को परीक्षा के लिए तैयार करें। राज्य में कोरोना रोग संक्रमण लगातार बढ़ रहे है, साथ ही मोटा स्तर माथे इंडो टीकाकरण भी करो जा रहे है। वही ही राजस्थान बाल संरक्षण आयोग री अध्यक्ष संगीता बेनीवाल कोविड टीकाकरण री अपील करता व्या कया कि सगड़ा जना ने 32-32 तादाद माए वैक्सीन लगानी चाहिए, साथ ही कोविड गाइडलाइन रो भी पूरो ध्यान रखनो चाहिए। जिम्मेदार नागरिकों से कि जिस तरह से 45 वर्ष तक के वैक्सीनेशन प्रारंभ हो चुका है, तो सभी अपने अपने अस्पतालों में जाकर अपने आप को वैक्सीन करवाएं, इसके कोई दुष्परिणाम नहीं है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, और सभी लोगों ने वैक्सीन करवाया है और इसके कोई दुष्परिणाम निकल कर नहीं आ रहे। और उसके बाद भी, वैक्सीनेशन के बाद भी, ये ना सोचें कि अब हमें मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। वैक्सीनेशन के बाद भी हमें 2 गज की दूरी और मास्क को बिल्कुल फॉलो करना है और दूसरों से भी करवाना है, तभी हम कोरोना जैसी महामारी से बच सकेंगे। जयपुर जिला रा ग्रामीण इलाका माए भी कोरोना टीकाकरण खातर लोगा माए उत्साह देखियो जा रहे है। बस्सी उपखंड रा 46 गांव माए आज वैक्सीनेशन रो काम चल रहे है। उपखंड अधिकारी राम कुमार वर्मा बताया कि उपखंड माए वैक्सीन लगावा खातर ग्राम विकास अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरपंच और दूजा जनप्रतिनिधियां ने जोड़ो क्यों है। वैक्सीनेशन भी हमारा जो अभियान है तभी सफल होगा जब जनता की जागृति होगी, जनता हमारे साथ जुड़ेगी। जनता को हमने साथ जोड़ने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, सरपंच साहिबान को, वार्ड पंचों को, इन सबको साथ में लिया है। इसके साथ साथ जो हमारे कर्मचारी हैं फील्ड लेवल के, जैसे ग्राम पंचायत के सचिव हैं, पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, नरेगा के मेट, स्कूल के प्रिंसिपल के नेतृत्व में एक टीम बनाई है जो कि वैक्सीनेशन करवाने के लिए लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। आज बस्सी उपखंड क्षेत्र में लगभग 46 जगह हमने कोविड वैक्सीनेशन के केंद्र बनाए हैं। लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति बहुत उत्साह है। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार लगभग 45 वर्ष से अधिक के आयु के हमारे पूरे बस्सी उपखंड में 65,000 लोग हैं जिनको हमें वैक्सीन लगाना है। उसमें से हम लगभग 15,000 लोगों को वैक्सीन अब तक लगा चुके हैं। प्रतिदिन हम लगभग 5,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। जब 5,000 लोगों को लगाएंगे तो हम लगभग, ऐसा उम्मीद है कि हम अगले 15 दिन में 45 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को हम वैक्सीनेट कर देंगे। मैं कोरोना को टीको लगवा लियो, इनमें कोई डर वाली बात को ना, कोई परेशानी को ना आई, वो सब ने लगवाना चाहिए, कहीं तकलीफ को नहीं कि मैं लगवा पाऊँ। मेरा नाम नाथूलाल छीपा है, मैंने दोनों डोज लगवा ली, मेरे कोई परेशानी नहीं हुई, एक बहुत हूँ और अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप भी सब लोग एक बहुत हो, ये टीका लगवाए, इससे कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा नाम पुष्पा शर्मा है, मैंने कोरोना की वैक्सीन लगा ली है और आपको सब लोगों को भी लगानी है, मेरे को कोई परेशानी नहीं है और मास्क लगाना जरूरी है आपको। कोरोना वैक्सीनेशन, मास्क लगावा और सोशल डिस्टेंसिंग सारू जनता ने जागरूक करवा खातर स्काउट गाइड री काढ़ी सू आज करौली जिला मुख्यालय माथे रैली काढ़ी की। रैली न्यारा न्यारा रास्ता सू होती भी स्काउट गाइड कार्यालय माथे पूगी। स्वामी विवेकानंद टीवीटी कॉलेज सूरत के छात्र अध्यापकों का 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आज कोरोना जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। यह रैली पुरानी नगर पालिका से
भाई रुखसार हाजी के द्वारा हरी झंडी के साथ में रवाना हुई है और यह फूटाकोट वजीरपुर गेट कलेक्ट्रेट होती हुई भट्टा पर और गणेश गेट होती हुई वापस स्काउट ऑफिस पहुंचेगी। बांसवाड़ा जिला माय प्रशासन री जागरूकता सू अब आम जन खुद आगे बढ़कर कोरोना रो टीको लगवा रहा है। जिला प्रशासन का निर्देश रे पछे अब जिला माय रोजीना 10,000 सुबत्ता लोगा रो टीकाकरण करो जा रो है। टीकाकरण माय चिकित्सा महकमा रे साथ ही सीएचसी और पीएचसीओ माथे टीकाकरण री निःशुल्क सेवा दी जा रही है, साथ ही मोबाइल टीम भी जिम्मेदारी निभा रही है। आज का जो टारगेट है 20,000 का टारगेट है और सभी टीम लगी हुई है, मीटिंग कर रही है, गांव गांव में जाके संदेश कर रही है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आ रही है, पटवारी है, बीएलओ है, कोशिशें करें टारगेट हर बूथ पर जहाँ जहाँ टीकाकरण हो रहा है वो टारगेट पूरा। अपने स्वास्थ्य कल्याण केंद्र सामागड़ा में वैक्सीनेशन चल रहा है। वैक्सीनेशन में लोग बड़े उत्साह से आ रहे हैं, हालांकि आज एक वो दशा माता का पर्व भी है, उसके बाद भी लोगों में एक खासा उत्साह देखा जा रहा है। आज अभी 40 लोग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और मतलब लगभग हम लोग हमारा टारगेट जो है उसको आज अचीव करेंगे। टीका को लेकर मैं घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, लोगों के गलत भ्रांतियाँ निकल रहा हूँ और लोग आज लगभग बड़ी संख्या में आकर टीका लगा रहे हैं और डर नहीं उनको और लगभग 150 लोगों का अभी भी टीकाकरण हो गया है। जो इसमें शरीर में कोई मुसीबत भी नहीं है और व्यवस्थित लगा हुआ है, जैसे कि टीका लगा तो ना दर्द ना कुछ नहीं है और शरीर बिल्कुल कम्प्लीट है अपना टीका लगने से। कोरोना री दूजी लहर ने लेर प्रशासन सख्ती करनो शुरू कर दियो है। दौसा माय प्रशासनिक अरे पुलिस एहलकार कार सिंजिया बिन मास्क घूम रिया लोगा रा चालान काटिया, वटे ही लोगा ने मास्क लगाबा खातिर प्रेरित भी करिया। मैं जिला प्रशासन दौसा की तरफ से अपील करता हूं कि वो लोग जब भी मार्केट में निकले तो पहली बात तो बहुत आवश्यक कार्रवाई के लिए ही बाहर निकले और जब भी बाहर निकले तब मास्क जरूर लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, बार बार अपने हाथ धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, कोविड गाइडलाइन की पूरी तरीके से पालना करें। भरतपुर माए कोरोना संक्रमण ने फैलबा सु रोकबा खातर प्रशासन नाइट कर्फ्यू लगा दियो है। जिला प्रशासन भरतपुर नगर निगम सैती 11 नगर पालिका खेतर माए रात ने 8 बजे से सुबारे 6 बजे ताई कर्फ्यू लगा दियो है। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल और पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई रात ने भरतपुर रा बाजारा माए फूगिया और बाजार बंद करा। लोगों में लापरवाही बढ़ती जा रही है तो इसमें चूंकि पिछले कई दिनों से पॉजिटिव केसेज में लगातार वृद्धि हो रही है, उसी के मद्देनज़र हमने नगर निगम और जो हमारी 11 नगर पालिकाएँ हैं उनमें ये फैसला लिया है कि रात्रिकालीन कर्फ्यू जो कि राज्य सरकार द्वारा अनुमत है रात को 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इसकी प्रभावी पालना के लिए अभी एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और हमारे कमिश्नर नगर निगम के साथ पूरी टीम है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो गाइडलाइन है उसकी पालना सुनिश्चित हो। कल से हम ये भी प्रयास करेंगे कि अगर लोग लापरवाही करते हैं, जैसे मास्क कम लगा रहे हैं, तो उनके भी अधिकतम चालान काटे जाएंगे और कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जितने हमें सख्त कदम उठाने होंगे उतने ही हम सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। करौली माए कोरोना संक्रमण सु बचाव और वैक्सीनेशन सारू जागरूकता बढ़ावा रा उद्देश्य सु कलेक्ट्रेट सभागार माए जिला स्तरीय अधिकारी बैठक हुई। बैठक माए जिला कलेक्टर कया कि टीकाकरण पछे भी कोरोना गाइडलाइन रो पालन करें, वणा अधिकारी सु वैक्सीनेशन सारू लोका माए जागरूकता ल्याबा रा निर्देश भी दीना। कोरोना के विरुद्ध हमारे पास केवल दो ही हथियार हैं, पहला एहतियात कि हम मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और दूसरा कि हम टीकाकरण से स्वयं का और अपने परिवार का बचाव करें। मैं आप सब से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप आपके परिवार में जो कोई भी व्यक्ति 45 वर्ष से अधिक उम्र के हैं उन्हें नज़दीकी टीकाकरण केंद्र पर ले जाकर आज ही उनका टीकाकरण अवश्य करवाएं, जिससे आप अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। यह देखा गया है कि जिन व्यक्तियों को टीकाकरण लगा हुआ है उन व्यक्तियों में यदि संक्रमण होता भी है तो वो घातक नहीं होता, तो इसलिए लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए टीकाकरण ही सबसे ज्यादा प्रभावी उपाय है। आप सब लोगों से अपील है आज ही टीकाकरण अवश्य करें।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा माए करसासू गेहूं खरीद मामला री समीक्षा करी। वणा बैठक माए करसासू गेहूं खरीद ने सरल अरबे को पूरो करबारा हुकुम देना। वणा कया के करसारी उपज री सगली खरीद करी जावेली। किसान का गेहूं सही समय पर खरीदा जाए, इसके लिए आज एफसीआई जिलाधिकारियों कोटा बूंदी जिला कलेक्टर से चर्चा की है। मैं किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, सभी किसानों का माल समर्थन मूल्य पर खुलेगा। टोकन जो जून के जारी किए गए थे उनके लिए अधिकारियों को कहा गया है कि जल्दी से किसानों का माल खरीदा जाए, इसके लिए नए टोकन और जारी किए जाएंगे ताकि जिन किसानों का देरी से टोकन में नंबर आया है वो पुनः नए टोकन ले सकते हैं। और तीन चार दिन में सभी कोटा बूंदी के राजफेट के सेंटर भी शुरू हो जाएंगे ताकि किसान को अपनी नज़दीक जगह माल को तुलाया जा सके। मैं किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि समर्थन मूल्य पर एफसीआई 100% माल खरीदेगी, कोई लिमिट तय नहीं है। जो भी माल किसान का मंडी में या खरीद केंद्र पर लाएंगे उन सबका माल खरीदने की सुनिश्चित व्यवस्था होगी। राजधानी जयपुर माए कस्टम विभाग जयपुर एयरपोर्ट माते दुबई सु आया एक यात्री सु 21 लाख रुपया रो सोनो बरामद करयो है। कस्टम महकमो युवक सु 461 ग्राम सोनो जब्त करयो है। जोधपुर रा फलौदी माए कचहरी थापित उप कारागृह सु सोमवार रात ने एक साथ 16 कैदी फरार वह गया। रात ने 8 बजे सु वणा बैरका माए भेज बोचावे हो इन खातर मेन गेट खोलो गयो। इन दौरान इंचार्ज और सिपाही री आंखिया माए मिर्ची फेकर फरार वह गया। इन माए चार माते हत्या और बाकी माते NDPS एक्ट के तहत मामलो दर्ज है। फरार हूँ। इस घटना के संबंध में जेल इंचार्ज की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया। जोधपुर रेंज में एवं राज्य के अन्य जिलों में मुजरिमों की तलाश हेतु नाकाबंदी करवाई जा रही है। मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए 5 विशेष टीमों का गठन किया गया। इनके द्वारा विभिन्न स्थानों पर रेड की गई है, कुछ इनपुट्स भी हमें मिले हैं और उम्मीद है कि जल्द ही खराब हुए मुझे पुलिस की घटना। राज्य माए विधानसभा उपचुनाव माए मतदाता वारी शत प्रतिशत भागीदारी खातर निर्वाचन महकमो 520 सर्विस वोटर्स ने मतदान खातर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट्स ऑनलाइन भेजा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बताया कि संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राजसमंद खातर 68, सुजानगढ़ खातर 395 और सहाड़ा रा 57 वोटर्स खातर ऑनलाइन ETPBS भेजो गयो है। सिरोही जिला माए महात्मा गांधी नरेगा योजना गांव वाला सारू वरदान साबित वेरी है। जटे करोना सु पूरो देश आर्थिक संकट सु जूझ रियो है वटे ही यह योजना गांव वाला ने आर्थिक संबल दे रही है। सिरोही जिला माए लाडला बरसारी तुलना माए बरस 2020-21 माए मोटी तादाद माए लोगा ने रोजगार मिलो है। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद बताया कि बरस 2020-21 माए 33,000 सुबत्ता परिवार ने 100 दिन रो रोजगार मिलो है। इंतरिया वित्तीय बरस 2020-21 माए सिरोही माए मनरेगा माए सबसु बत्ता रोजगार रो सृजन व्यो है। अंतर्गत काफ़ी बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार दिलाया गया था और COVID-19 के दौरान जो बाहर से माइग्रेटेड लोग आए थे उनको भी इस योजना के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया गया था। यहाँ पर पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष दुगुने से भी अधिक श्रमिक नियोजित हुए थे। उसी क्रम में जो 100 दिवस पूरे करने वाले परिवार हैं वो आज की तारीख में इस वित्तीय वर्ष में 33,095 परिवार ने महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत अपने 100 दिवस पूरे किए हैं। इस योजना ने इतने सारे परिवारों को आजीविका का सहारा दिया है। और ये योजना अभी वर्तमान समय में गांव वालों के लिए रोज अपने वरदान साबित हो रही है और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है और बहुत ही फायदेमंद की योजना है।
महात्मा गांधी नरेगा योजना में महिलाओं को रोजगार मिलता है, जिससे उनका घर का गुजारा होता है और राशन चालू होता है, और उसके साथ बहुत सारी बीमा योजना है जिनसे उन्हें लाभ होता है, उनके घर गृहस्थी का गुजारा होता है, घर पे बैठे रहते हैं। यहाँ गरीब मन कर जाता है काम करवाती रोजगार आल बे तीन पी आवे तो मोर घर आल। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा सक्रिय होबा सू राज्य रा तापमान में बढ़ोतरी होबा लाकी है। करीब सगली ठोरा माते बत्ती तापमान 40 डिग्री सू बत्ती दर्ज करे गयो। मौसम महकमा अगला तीन दिन लू चालवार अंधड़ रे साथे बिरखा होबा री चेतावनी देनी है। वटे इकाल फलौदी माए बत्ती तापमान 43.4, भरतपुर माए 43.2, करौली माए 43.1 और जयपुर माए 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज करे गयो। अराओ बात करा आपनी और आपना री सुरक्षा री। डीडी न्यूज री काणी सु एक खास मुहिम चलाई जा रही है मास्क अप इंडिया। आओ जाना हा कोरोना सु बचाव सारू काई ध्यान राखनो चाहिए छे। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे कोरोना को रोकेंगे, चलो और आए हुए फिर सुजुवा मोटी खबर। आजादी रा अमृत महोत्सव रा उपलक्ष्य माए काड़ेगी दांडी यात्रा रो आज यू समापन। उपराष्ट्रपति जलसा ने कराया संबोधित, कहा आजादी राष्ट्र रा इतिहास माए अमृतमयी घटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी राय स्थापना दिवस जलसा माते नूवी दिल्ली में राखी जा कार्यक्रम ने वर्चुअली कराया संबोधित, हया भाजपा समर्पण रे साथ करी है देश की सेवा। एनवी रमन बेला देश रा 48वां मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति दीनी मंजूरी। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े आपरा उत्तराधिकारी रा तौर माथे न्यायमूर्ति एनवी रमन रा नाम ली करी ही सिफारिश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना संक्रमण री बढ़ती रफ्तार ने लेर करया बैठक, कया हालात नी सुधरवा माते सरकार उठावेली करडा कदम। जोधपुर रा फलादी माए कचहरी थापित उपकारगृह सुकाल रात ने 16 कैदी विया फरार, इंचार्ज जल सिपाही री आंखिया माए मिर्ची फेकर करी वारदात। अर्चालो इन बुलेटिन माया त्रोइच, नमस्कार।